और ये जो फसल है ये। हेलो एवरीवन, सारा ना राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम रेनू और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रिया वियना सिटी में। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है खेत। तो हम आए हैं टुल और ये स्ट्रॉबेरी के खेत हैं और आज हम आए हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लेने। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये यहाँ के खेत और वेदर भी आज बहुत अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जगह जगह टेंट लगे हुए हैं। लेट्स सी, अभी हम जाएंगे इसके अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं इस टेंट में बास्केट लेने और पता करने कि भाई कितने की कैसे क्या हैं और कितनी तोड़ सकते हैं, कितने रुपए लगेंगे। यूरो, नॉट रुपए, यूरो। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे आए हैं। चलो, यहाँ पे खरीद भी सकते हैं ना। हेलो, हाफ के जी, दिस इज द प्राइस। चलो शनाया, उधर चलो। नहीं नहीं, मंदीप ने ले ली एक यूरो की बास्केट है। और शनाया दिखाइए तेरी बास्केट, ये तो शनाया को फ्री मिली है। और मंदीप की कितने की है? एक यूरो की। और इसमें 2.5 किलो स्ट्रॉबेरी आ सकती है। यस, और शनाया पैर मत रखना बेटा, ठीक है? सिर्फ जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी होंगी ना, रेड बिल्कुल, जो आपका खाने का मन करे वो तोड़ के अपनी उसमें डाल लेना। लोग पार्किंग लगा रहे ना मंदीप, इधर इधर ही दिख रही है फिर। इधर आ जाओ, इधर। हाँ, ओके, नाउ लेट्स फाइंड द स्ट्रॉबेरी। वाओ, कितना अच्छा वेदर भी आज बहुत अच्छा है। सिर्फ बड़ी बड़ी निकलना, ठीक है? ये मैंने। वाओ, कितनी सारी है। और आप इन्हें खा भी सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है, खा भी सकते हो आप इसको। और उसके बाद जितनी खानी है खाओ, उसके बाद अपनी बास्केट में डाल लो, मोटी मोटी ले लेके। वैसे खेतों में से स्ट्रॉबेरी तोड़ने का फायदा ये होता है, रेट ज्यादा नहीं है फर्क, बट यहाँ पे एटलीस्ट आपको फ्रेश मिल जाती है। और मैंने आपको बोला ना ऐसे तोड़ो, इसके साथ मैं बस चाहिए दे तो। हाँ, लेकिन आप जल्दी हो जाएंगे, ऐसे तोड़ते हैं इसके साथ। नहीं तोड़ना। अच्छा, मत वो दाने ने फायदा दिया आज तो। चलो लास्ट में चलते हैं। नहीं, ये नहीं है अच्छी, छोड़ दो, चलो आगे। हाँ चलो, आगे मम्मा के साथ चलो सामने। इतनी बड़ी देखो, यहाँ पे भी इसको भी ब्रेक करो। ये मोटी भाई है, ये भाई है। ये देखो, ये बड़ी बड़ी तोड़ना से अंदर की तरफ भी है उसमें। हाँ, ये अंदर है इसमें, देखो ना। ये देखो, ये देखो। जितनी ज्यादा रेड होती ना उतनी स्वीट होगी, ठीक है? ऐसी रेड वाली तो। ये तो फिर मंदी 2.5 किलो इजीली हो जाएंगे। एक और ले लेंगे बास्केट अगर चाहिए तो।
सच में इतनी मीठी है, मार्केट में भी नहीं आती ऐसी तो, क्योंकि वो दब दबा जाती हैं और थोड़ी सी अजीब सी हो ही जाती है, और ये बिल्कुल फ्रेश है। मैंने ऐसी स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाई। सो यस, कि स्ट्रॉबेरी का जो सीजन होता है ना यहाँ पे, पिक करो और खाओ, सस्ती भी पड़ती हैं और फ्रेश भी मिलती हैं। चूहे भी घूम रहे हैं यहाँ पे, चूहे भी घूम रहे हैं, चूहे ये देखे, तो ये रिस्ट हो गई, ले भर गया ये तो, और भर ले। तो स्ट्रॉबेरी टूट गई है, पर विद इन 5 मिनट में, मतलब 10 मिनट में ये पूरा भर गया। इतनी सारी स्ट्रॉबेरी है ना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि खाली हो रखी है, और सारी लाल और बड़ी बड़ी ऐसी। नीचे बिना लीफ वाली क्या है? वो बहुत ज्यादा नीचे, वो हाथ है। कैसे है सुनाया? मीठी या खट्टी है? मीठी, सबसे मीठी। तो हमारा बॉक्स फुल हो चुका है, और बहुत जल्दी हमने वो स्ट्रॉबेरीज तोड़ ली, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा थी, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं आई। पिछले साल मुझे था कि मुझे आना है, लेकिन तब तक सीजन ऑफ हो चुका था, जून में, मतलब मई एंड में और जून एंड तक, तब तक यहाँ पे सीजन रहता है, उसके बाद तो ये सब क्लोज हो जाता है। तो अभी मौका मिला तो अभी आ गए। वियना के आसपास भी काफ़ी सारे हैं जो खेत हैं जिनमें स्ट्रॉबेरी लगते हैं, लेकिन हम टूल में आए थे क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम होती है, तो चांसेस होते हैं कि स्ट्रॉबेरी अच्छी मिल जाए, जो कि यहाँ पे आके देख के तो मेरी आँखें फट गई हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये तो स्ट्रॉबेरी के थे जिसमें अभी भी लोग कर रहे हैं, अभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी हम तो सुबह सुबह आ गए थे। और ये जो फसल है ये गेहूं की है, और ये पूरी जितने आप पीछे तक देख रहे हो सारी गेहूं है।